सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं बेरी, ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर की तहसील है और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है माता भीमेश्वरी का। आइए आपको इस मंदिर की सैर कराते हैं। और ये अति प्राचीन मंदिर है और ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है जीना। जब यहाँ मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है तो इस जीने का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भीड़ कम है इसलिए हम रोड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये है माता का छोटा पूजा स्थान, ये माता भीमेश्वरी जो अंदर का मंदिर है और ये भी अति पूजनीय है, बहुत ही बढ़िया। देखिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ बड़ा मंदिर है अति पूजा होती है, बहुत ही बढ़िया है। ये है दोस्तों जो अंदर का है, हमने देखा अति पूजनीय है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ काफ़ी संत मंतों के फोटो भी लगाए हैं और ये है विश्राम करने का स्थान। देखिए अति सुंदर है, बहुत पूजनीय है, काफ़ी श्रद्धालु। और ये है माता का स्थान, देखिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, अति पूजनीय स्थान है। मार्बल लगाएगा। दोस्तों ये दिखाया हमने माता का जो अंदर का मंदिर था, आइए आपको। दोस्तों ये है, देखिए कितना हाइट से ये जीना बना गया है और ये बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए यहाँ भीड़ नहीं होती। और ये मेन चौराहा है यहाँ का। दोस्तों ये है यहाँ का मेन बाज़ार और साथ में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए देखिए झूले पे झूला और साथ में मौत कुआ भी है, आपको इनकी भी सैर कराएंगे। दोस्तों हम आगे हैं माता भीमेश्वरी देवी शक्तिपीठ द्वार, ये है मेन एंट्री प्रवेश। दोस्तों ये भी पुरातन पीपल का पेड़ है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना की आशा करते हैं कि हे माता हमारी मनोकामना पूरी करिए। ये भी अति पुरातन पीपल है। देखिए दोस्तों ये है पूजा का मेन स्थान, कितना सुंदर अति सुंदर मंदिर है और बहुत ही बढ़िया है, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, बच्चे बूढ़े नौजवान इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो पूजा पाठ करते हैं वो पंडित जी जुड़े हैं, उनसे भी यहाँ की जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? जयमा। मेरा नाम कुलदीप वशिष्ठ है और मैं यहाँ मुख्य पुजारी हूँ। पंडित जी ये पूछे थे ये कितना पुराना मंदिर है? मंदिर के विषय में बताया जाता, मंदिर तो अति प्राचीन है, ये महाभारतकालीन मंदिर है। पांडवों की जो कुल देवी हैं वो माता हिंगलाज भवानी है, वो पाकिस्तान में स्थित सिंध पर्वत पर विराजमान है, वो एक शक्तिपीठ है। मान्यता यही है कि भीम वहीं से माता के इस विग्रह को लेके आए थे और उन्होंने बेरी में इसे स्थापित किया था। पंडित जी एक बात और सुनिए, हमने यहाँ तालाब भी है। जी तालाब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही है जिसको प्रशासन ने पक्का करवा दिया है। पूर्व में तालाब की सफाई के लिए मिट्टी निकलवाने की परंपरा होती थी, आज भी उस परंपरा को निभाने के लिए दूर दराज से आदमी आते हैं और पवित्र तालाब में स्नान भी करते हैं और उसकी मिट्टी भी निकालते हैं। पंडित जी यहाँ बड़ा मेला कब लगता है? मेले मुख्यतः दो लगते हैं, एक चैत्र का और एक अभी आश्विन मास का, लेकिन ज़्यादा भीड़ चैत्र नवरात्रि में अप्रैल में होती है। जय माता की। ये जी पंडित जी ने हमारे को इस मुख्य मंदिर की जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ नया दूल्हा और नई दुल्हन है, इनसे भी यहाँ की जानकारी लेंगे, इन्होंने यहाँ के लिए क्या मंगत मांगी थी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम?
आरती। कहाँ से हो आप? लखनऊ। लखनऊ से जी। नमस्कार भाई साहब जी, शुभम लखनऊ से। अभी लखनऊ से हो? मियाँ बीवी साथ में रहेंगे तो कोई बात नहीं, इनका घर अलग होता है बीवी का। ये वैसे पटना से हैं। अच्छा हाँ, ये बोलो ना पटना से जी। तो शादी को कितने दिन हो गए? शादी को हमारे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो शादी से पहले क्या मंगत मांगी थी आपने माता की? जी हमारी कुलदेवी हैं, तो हम लोग शादी के बाद यहाँ पे नया जोड़ा आता ही है दर्शन करने के लिए माता रानी के पास। अच्छा, क्या आगे हर साल आओगे? आगे हर साल आएंगे, कोशिश तो यही रहेगी हर साल आएँ, नहीं तो जब बालक वालक होते हैं तो बाल वाल उतरवाने हम लोग यहीं आते हैं। अच्छा, बाल भी आप बच्चों के यहीं तरह यहीं उतरवाते हैं। तो इसका मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आते हो? जी जी। तो यहाँ आपकी हमारी कुल देवी हैं, तो कई पीढ़ियों से यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ की जो माता भीमेश्वरी देवी, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करती है? हाँ पूरी करती हैं, उस पर हम लोग सवा मनी करते हैं, मांगते हैं तो कुछ मन्नत मांगते हैं तो सवा मनी का प्रसाद चढ़ाते हैं फिर हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? जगदीश अग्रवाल। आप इनके से? आप इनके पिताजी हो? पिताजी हूँ। ठीक है, ये तो इनकी माता जी हैं। तो जी आपसे ये पूछे थे, आपके तो दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। हाँ, तो आप भी ये परंपरा चालू रखेंगे? बिल्कुल चालू रखेंगे, और बच्चों को भी आगे यही शिक्षा देते हैं कि सब लोग यहाँ आए और हमेशा आते रहें और माता के दर्शन करते रहें, और जो भी हम लोगों की मन्नत होती है वो सब यहाँ से पूरी होती हैं। माता रानी ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, बने रहिए माता से। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? सीमा। सीमा, ये बताइए बहन जी, आप भी तब से आई हो लखनऊ में, तो यहाँ हर साल आती हो? 28 साल से आ रहे हैं, लेकिन हर साल नहीं आ पाते हैं। अच्छा। दूसरे तीसरे साल जब भी माता बुलाती हैं, जो उनका बुलावा होता है तब आते हैं। तब पहले आप पे बच्चे नहीं थे? हाँ, बाद में बच्चे हुए। हाँ, बच्चे तो के बाद पहले कितनी बार आए यहाँ? नहीं, बच्चे के पहले नहीं आए थे, बच्चे को लेके आए थे पहली बच्चे बार। को लेके आए? हाँ। तो क्या माता से मांगा था कि भाई हमारे को संतान दो और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले? माता ने अपने आप ही दे दिया बिना मांगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ गुड़िया भी जुड़ी है, इससे भी यहाँ की जानकारी लेंगे। ठीक है बेटी। श्योर अंकल। क्या नाम है आपका? मानसी। तो आप माता पिता के साथ आई हो? जी। ठीक, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जॉब कर रही हूँ अभी। जॉब कर रही हो? कि कहाँ पर जॉब कर रही हो? मैं बैंगलोर में कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा ठीक है, आप जॉब भी करते रहिए और माता के दर्शन करते रहिए, और कोशिश करिए कि हर साल माता के दरबार में आए और माता आपकी झोली भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको यहाँ माता का इतिहास बताता हूँ, ये अति प्राचीन मंदिर है और लगभग 5135 साल पुराना ये मंदिर है। महाभारत का जब युद्ध हुआ, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को कहा, आप युद्ध के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जीत के लिए माता, जो माता इगलाज है वो पाकिस्तान पर्वत है, अब तो पाकिस्तान में चला गया है, भारत अलग हो गया है। तो भीम वहाँ गया और माता की जो पूजा की थी थाली, उसको लाया और उसमें माता का फोटो भी लाया और यहाँ पर उसने उतार दिया, और यहाँ लघु संख्या होगी और वो चला गया। लेकिन एक शर्त थी कि मेरे को रास्ते में कहीं नहीं उतारना, और यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था और बेरी का पेड़ था, इसलिए इसका नाम बेरी भी पड़ा। आपको वो तालाब भी दिखाएंगे जहाँ भीम नहाया था, और यहाँ बहुत पूजा पाठ हुई और भीम की महाभारत में जीत हुई। दोस्तों ये है मंदिर का दक्षिण साइड का भाग। देखिए पूजा पाठ करके काफ़ी श्रद्धालु यहाँ को निकलते हैं, ये है निकलने का मुख्य स्थान। दोस्तों ये है जिसमें भीम ने स्नान किया था, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और माता से अरदासना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी करें। देखिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे भी यहाँ की जानकारी लेंगे, इनने क्या मंगत मांगी है और ये कितने दिन से यहाँ आते। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार जी। कहाँ से हो? बेरी से ही हैं। बेरी से हो? हाँ जी। ये मेला कब लगता है? ये एकम से शुरू हो जाता है, नौरता जब शुरू होते हैं ना, एकम से शुरू हो जाता है और 14 तक चलता रहता है। क्या आपके बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आते? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। क्या आपकी माता मनोकामना सारी पूरी करती है? सारी पूरी करती है जी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जी? रानी जी। रानी जी। हाँ जी।
आपने आज पूजा पाठ कर ली? हाँ जी। तो आपने माता से क्या मांगा आज? आज जी हमारी तो सबसे हम पहले से कदे मांगते आ रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती आ रही है। तो आज तक ऐसा नहीं देखा कोई भी मनोकामनाएं अधम रहेगी, सारी पूरी होती आ रही। ठीक जी। हाँ। तो आप बच्चों को भी जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है, हम तो ये कहा दे बीमारी मारी सुन रही है, ऐसी सबकी सुनना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। क्या नाम है बेटी? मीनू। मीनू कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो आगे जाके क्या बनना चाहती है? पुलिस। पुलिस में? क्या रिश्वत तो नहीं लेगी? ना। अच्छा, ईमानदारी से काम करेगी? हाँ। और देश की सेवा करतेगी। ठीक है, माता आपकी मनोकामना पूरी करे और मेरा आशीर्वाद है एक बर्थडे के नाते तू पुलिस में हो और देश की सेवा कर बेटे। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक नवनिवाहित जोड़ा जुड़ा है, इनसे भी यहाँ की जानकारी लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुनील जी। कहाँ से आए हो? ढराणा गाँव से। ढराणा गाँव से। हाँ जी। और क्या हर साल आते हो? हर छः महीने में आते हैं। हर छः महीने में आते हो। और शादी हुई कितने दिन हो गए? चार महीने। चार महीने। माता से क्या मांगोगे आज? माता से सुख शांति रहो घर में परिवार में, और क्या मांगेंगे। चलो, माता रानी के दिए दिन है जो कुछ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई क्या नाम है गुड़ी? थोड़ा हाई पल्ला ऊपर कर ले। कौन कर ले? ये शर्माती हो क्या? शर्माती हो क्यों बेबे? थोड़ा बोल बता दे, बता नाम बता। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? राज दुलारी। राज दुलारी। ये आपके बच्चे हैं? हाँ। बहुड़िया तो बहुत शर्माऊ है। हाँ। क्या आगे भी इसी तरह शर्म करती रहेगी? हाँ। सेवा में शर्म ना करियो, वैसे कर लियो। हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? अनीता। अनीता। ठीक है, देखिए हमारे साथ ये श्रद्धालु जड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों देखिए पिंग पे पिंग, झूले पे झूला, ये बच्चों का बहुत बढ़िया। और साथ में इसके ये है मोतकुआ, बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, बहुत मनोरंजन के यहाँ साधन है। बच्चे बूढ़े काफ़ी इसमें भाग लेते हैं और ट्रैक्टरों से गाड़ियों से बढ़ चढ़ के इसमें श्रद्धालु भाग लेते हैं। देखिए कितना बड़ा झूला है और ठीक इसके पीछे पिंग है। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरा तुन के साथ ऋषि पाल। जय हिंद, जय माता की।